स्कूटी सीखने आई थी और एक राउंड ले गई, सुबह को भी लाई एक राउंड, अभी भी लाई एक राउंड। मैं स्कूटी सीखने जा रही थी तो वहाँ बारिश लग गई, और बारिश लगी तो आधे से और जगह नहीं भी आएगी, पर इधर आई और मंडल साइड तो आती रही। ओ मेरी माटी, ओ मेरु पानी हे माँ। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है निधि नेगी और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई सुबह के साथ। अभी सुबह सुबह में खाना बना रही हूँ, ये हमारी लौकी और आलू की सब्जी। तो कल हम घर आए थे, आ जाऊँगी फिर से ड्यूटी, अभी खाना बना देती हूँ पहले, फिर जाएंगे। और मैंने यहाँ पे आटा भी गूंथ लिया है और सब्जी बनने वाली है। अभी हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है और ऑफिस के लिए तैयार हो चुके हैं, और मौसम बहुत खराब रखा ये देखो, और देखते हैं हम तो स्कूटी से जाएंगे, गाड़ी यहाँ रखेंगे या वहाँ रखेंगे, जो भी करेंगे, पर हम स्कूटी से जाएंगे आज। और बारिश ना ही भगवान करे, क्योंकि बारिश आएगी तो कैसे जाएंगे हम। और आज मैं माँ भी आ रही है बाजार, और मैंने और माँ ने सेम ड्रेस पहना है, ऐसा वाला जो हम दोनों ने सेम बनाया था ना, ऐसा वाला वही ड्रेस पहनवाया है मैंने आज। मैंने कहा यही वाला पहनो, कोहरे से कैसा हो रखा सब जगह, यहाँ पे से वहाँ पे घर भी नहीं दिख रहा। बंदर मुंगरी ने खाई, इसलिए दादी ने साड़ी की बाढ़ लगा रखी इधर से पूरी उधर तक, क्योंकि बंदरों ने एक दिन यहाँ की मुंगरी खा ली थी इधर लाइन के। माँ तो आई नहीं तब से। आधे रास्ते सब पूरी मैंने चलाई स्कूटी आगे बैठ के, और मतलब कितने किलोमीटर आए होंगे, 5 किलोमीटर तक मैंने चलाई है, मतलब आगे बैठ के इन्होंने मुझे सिखाया, तो देखते हैं कब तक सीखती। मैं इतनी ठंडी हो रही, मैंने स्वेटर भी पहन ली, स्वेटर लाया बस। हमारी न्यू स्कूटी की चाबी, मेरी स्कूटी के लंच में है लाल मिर्ची, आंवले का अचार, ककड़ी है और दाल, अंडा वाली दाल, अंडा दाल मिक्स है ना। स्कूटी सीखने आई थी और एक राउंड ले गई, सुबह को भी लाई एक राउंड, अभी भी लाई एक राउंड, और यहाँ बारिश लग गई। अब खूब तेज सी बारिश लगने लग गई, अब हम चलेंगे सीधे घर। अभी आ गए क्योंकि बारिश आ रही है, तो मैं नहीं चला पाऊँगी इसलिए चला रहे हैं। हमको घर आते आते इतनी रात हो गई और प्लस में बारिश भी। ये लॉ कॉलेज, अभी हम बाजार से भी आ गए और ये वहाँ बाहर ना बहुत बारिश लगी थी जैसे हम गए, और मैं स्कूटी सीखने जा रही थी तो वहाँ बारिश लग गई, और बारिश लगी तो आधे रास्ते में से आ गई। वैसे हमने ऐसे कुछ 5-6 किलोमीटर तो चली गए थे, नहीं तो हमने देर तक सीखना था, पर बारिश आ गई तो कैंसिल। फिर घर आए, अब बनाती हूँ मैं खाना, खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं आज।
जैसे अभी तक यहाँ बारिश लगी थी और फिर बंद हो गई, तो यहाँ बारिश लगी रहती है। मतलब बारिश ऐसा कुछ है नहीं कि कभी भी लग जाती है अचानक से, और जगह नहीं भी आएगी, पर इधर आएगी और मंडल साइड तो आती रहती है बारिश, उधर साइड आती रहती है, यहाँ से दिख जाती है कि आ रही है बारिश, आ रही तो दिख ही जाती है कि बारिश आ रही है। तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ कभी भी आ सकती है।